रक्षा सुधार को लेकर नित नए प्रयोग करने में जुटी एसपी पंकज नैन ने एक कदम और आगे बढ़ाया है। पीसीआर के भीतर और ट्रैफिक पुलिसकर्मी के सीने पर कैमरे लगाकर रोहतक पुलिस को आधुनिक टच देने के बाद अब राइडरों को कैमरे और जीपीएस से जोड़ा है। एसपी नैन ने कहा कि पिछले प्रयास से उन्हें व्यापक सफलता मिली। तकनीकी प्रयोग से पुलिस पब्लिक में तालमेल सुधरा। फील्ड में पुलिस पर ड्यूटी में लापरवाही बरतने और जनता से दुर्व्यवहार करने की शिकायतों में कमी आई। अब राइडरों के हाईटेक होने से अपराध और अपराधियों की पकड़ मजबूत होगी। राइडरों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करने के उपरांत एसपी पंकज नैन ने कहा कि पुलिस कार्यवाही में जन सहयोग करने वाले हर शख्स को उचित सम्मान दिया जाएगा। डीएसपी ट्रैफिक डॉक्टर रविंद्र कुमार भी फील्ड पुलिस सुधार में उनका बराबर सहयोग कर रहे हैं। रोहतक पुलिस के आधुनिक अंदाज के बारे में एसपी पंकज नैन से ही सुनिए। रोहतक पुलिस का हमेशा ये प्रयास रहता है कि हम हमारे जितने भी इस शहर के निवासी हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा सुरक्षा प्रदान करें, और जो फर्स्ट हैंड जहां से हमारा कोई भी नागरिक इंटरेक्शन करता है वो हमारे पीसीआर और राइडर्स। अभी कुछ समय पहले सारी जो पीसीआर वैन्स हैं उन पे हमने कैमरा लगाए थे। इसके अतिरिक्त जो ट्रैफिक कर्मचारी हैं उनको भी बॉडी कैमरा दिए थे। उसी में एक स्टेप आगे जाते हुए जो हमारे राइडर्स हैं इनको सभी को मॉडिफाई किया है, इन सभी में एक हाई क्वालिटी कैमरा लगाया है ताकि जब भी ये स्टेशनरी खड़ा रहे या फिर अपनी गश्त पर जा रहा है उस समय कैमरे से कंप्लीट उस एरिया की रिकॉर्डिंग होती रहे। इसके साथ साथ इनमें जीपीएस भी फिट किया है और इनमें बाकी एक्सेसरीज भी इस तरीके की लगाई हैं कि काफ़ी दूर से ही इसकी विजिबिलिटी हो। तो निश्चित रूप से हमारा बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस हमारी पीसीआर के साथ रहा है और ट्रैफिक पुलिस कर्मचारियों के साथ रहा है। उसी एक्सपेरिमेंट को अभी हमने हमारे जो राइडर्स हैं इनमें एक्सटेंड किया है, और हम अपेक्षा करते हैं कि ये अपराध कंट्रोल करने में और अपराधियों में डर पैदा करने में हमारी हर तरीके से हेल्प करें। खबरों के लिए देखते रहिए गरिमा टाइम्स टीवी, और पसंद आए तो प्लीज करें लाइक।